सो यस डियर स्टूडेंट्स, हम देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग का पॉइंट नंबर वन, तो आज चलते हैं पॉइंट नंबर टू। और पॉइंट नंबर वन को एक बार और देख लेते हैं। डिमांड को क्रिएट करना ज़रूरी है। मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं, पर चाहते क्या है? चाहते हैं कि डिमांड क्रिएट हो जाए, क्रिएशन ऑफ डिमांड। मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, करते रहिए। चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो हम क्या बेच रहे हैं जी? हम बेच रहे हैं कि कस्टमर हम तुम्हें सेटिस्फैक्शन बेच रहे हैं। विश्वास करो, हमारा प्रोडक्ट आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेटिस्फाई करेगा। सो मार्केटिंग जो है, मॉडर्न मार्केटिंग, नॉट ट्रेडिशनल, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। और कस्टमर ओरिएंटेड में भी कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड है। सो आज के सारे एक्टिविटीज कस्टमर से शुरू होते हैं, कस्टमर पे खत्म होते हैं। और बार बार एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं कि हम सेटिस्फैक्शन पर फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पे, ठीक है जी। मार्केटिंग किया, मार्केटिंग किया, मार्केटिंग किया, मार्केटिंग कर करके हम ये भी चाहते हैं कि मार्केट का शेयर हमारा बढ़े। अगर लोग 100 लोग फोन खरीदते हैं तो एप्पल चाहेगा कि आज 100 में से, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 40 लोग अगर एप्पल का फोन खरीदते हैं तो एप्पल चाहेगा कि 40 का वो 50 हो जाए, 50 का 60 हो जाए, 60 का 70 हो जाए। जिस दिन 70 होगा तो एप्पल बोलेगा 70% मार्केट शेयर मेरा है। तो ये 40 से 70 कैसे होगा भाई? कस्टमर को पता तो चलना चाहिए ना। तो वो कैसे पता चलेगा? मार्केटिंग से पता चलेगा। सो हर बिजनेस चाहता है कि एक रीजनेबल शेयर ऑफ टोटल डिमांड। अगर टोटल डिमांड अगर 100 है तो एप्पल चाह रहा कि भाई मेरा 70 हो जाए। एप्पल के लिए ये रीजनेबल डिमांड है, ये रीजनेबल शेयर है, सॉरी। और बाजार बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे कंपनीज है, ठीक है। सो उसमें क्या करना पड़ता है? एग्रेसिव सेलिंग एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, एकदम नेसेसरी है, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पॉपुलर करना है, प्रोडक्ट भी पॉपुलर और या अगर सर्विस है तो वो भी पॉपुलर हो जाए। और मार्केट शेयर कैसे कैप्चर हो? मार्केट शेयर कैप्चर होगा अगर गुड क्वालिटी, क्वालिटी ज़बरदस्त, प्राइस बड़ा रीजनेबल। तो हमेशा ध्यान रखना होगा हाई क्वालिटी लो प्राइस, तो लोगों को लगेगा कि भाई मेरा एक एक पैसा वसूल हो जा रहा है। वसूली भाई, अरे अपुन का प्रोडक्ट लेने का ना रे, अपुन का प्रोडक्ट में एकदम एकदम पैसा वसूल, पैसा वसूल। तो इसका मतलब है कि जहां आपको लगे कि पैसा वसूल, वहां आपको कोई टेंशन नहीं है खरीदने में, पैसा डालने का इच्छा होगा आपका। प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है प्रॉफिटेबिलिटी का। पहले प्रॉफिट नहीं, पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करो। कस्टमर सेटिस्फाई होगा वो ज़्यादा प्रोडक्ट लेगा, ज़्यादा कस्टमर को रेफर करेगा, आपका प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि पहले शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल है कि कस्टमर को पहले सेटिस्फाई करो। कस्टमर सेटिस्फाई तो प्रॉफिट विल ऑटोमेटिकली कम। प्रॉफिट आएगा तो ग्रोथ भी आएगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ बाय सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ कस्टमर। तो बाय सेटिस्फाइंग मतलब सेटिस्फाइंग जो है ये अपना है शॉर्ट टर्म, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो है अपना लॉन्ग टर्म। अब भैया प्रॉफिटेबिलिटी ये सब तो ठीक है, हमको बिजनेस में बने रहना, हमको अपना दुकान बंद नहीं करना है, उसे कहते हैं सर्वाइव। मेरे को मार्केट में बने रहना है तो सर्वाइव करना है और धीरे धीरे ग्रो करना है। सो सर्वाइव और ग्रो करने के लिए पहले हम लोग बोलते थे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए,
प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आप पहले प्रॉफिट 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 करोगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, आपका सारा ध्यान प्रॉफिटियरिंग पे चला जाएगा। ठीक है, तो चेंज किया गया, कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया कि नहीं 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 ये गलत है। अगर हम लोग सारा दिन प्रॉफिट 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 का मंत्र उच्चारण करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो। सो कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। इफ द कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड बिजनेस विल फेल टू अर्न एंड सर्वाइव। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपका प्रोडक्ट ना खरीदेगा ना किसी को रेकमेंड करेगा, तो आप कभी भी अर्न करोगे नहीं और सर्वाइव करोगे नहीं। वापस से बोल रहे हैं कि मार्केटिंग जो है इट बिगिंस एंड एंड्स विद द कस्टमर्स। फिर मार्केटिंग करके क्या होता है जी, हम अपना गुडविल को बनाते हैं। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या है दोस्त, गुडविल का मतलब है रेप्यूटेशन। ठीक है, रेप्यूटेशन रातों रात नहीं बनता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनता है, ध्यान रखिएगा। रातों रात गुडविल नहीं बनता है। और अगर गुडविल बन जाए तो क्या होता है, उसका मार्केट में एक पोजीशन बिल्ट होता है। कैसे होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइस में बेचना पड़ता है। कल तक कोई नहीं जानता था, ठीक है, समझ लो टाइटन, टाइटन वॉचेस। ठीक है, टाइटन क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस, तो धीरे 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 टाइटन ने अपना एक नाम कमा लिया। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, सो बहुत सारी कंपनी है, लेट्स से अगर ओप्पो का बात करें, ओप्पो, ओप्पो को कोई नहीं जानता था, अब धीरे धीरे ओप्पो को लोग जानने लग गए हैं। ठीक है, अगर अच्छा सोच रहे हैं तो रेप्यूटेशन या गुडविल बना लिया इसने, इस कंपनी ने। रेप्यूटेशन गुडविल कैसे बनता है जी, आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। कैसे, अब जैसे समझ लो आप कुछ कंपेयर करते हो, कस्टमर का आदत होता है कंपेयर करना। कस्टमर बोलता अच्छा तुमने ईयरफोन लिया ना, कितना का लिया, बोला मैंने 4000 का लिया, कौन सा कंपनी का लिया, सोनी का लिया। मैंने तो 5000 का लिया, कौन सा कंपनी का लिया, मैंने तो जी फिलिप्स का लिया। मैंने एक ईयरफोन लिया है 1500 रुपया का, कौन सा कंपनी का लिया, ओप्पो का लिया है। ठीक है जी, अब कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन में देख रहे हैं कि 1500 रुपया में मेरा तो भाई हेडफोन जो है वो लगभग बैटरी जब हम एक बार चार्ज करते हैं तो 20 आवर्स चलता है। बाकी लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा 8 घंटा 10 घंटा चलता है। साउंड क्वालिटी भी कंपेयर कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग बोल रहे यार 1500 रुपया में 4000 और 5000 वाले क्वालिटी को भी ये हरा दिया, तो फिर तो यार यही लेना चाहिए था। हम लोग तो फालतू का फिलिप्स और सोनी के पीछे भाग रहे थे। अब फिलिप्स और सोनी के पीछे क्यों भाग रहे थे, क्योंकि फिलिप्स एंड सोनी ने अपना गुडविल बना के रखा था बाजार में। गुडविल बनाने का यही फायदा होता है कि कस्टमर गुडविल को ध्यान में रखते हुए उसी कंपनी के पास जाता है। तो अगर आपने सोनी कंपनी के पास आप जाके कुछ लेते हो, बाद में पता चलता है कि उससे बेटर क्वालिटी सैमसंग में मिल रहा है और कम दाम में मिल रहा है। ऐसा हुआ है LED टेलीविजन के मार्केट में। सोनी छोड़कर इंडियन जो है वो सोचते नहीं थे कुछ और आज भी सोनी बहुत फेवरेट है, दिल के करीब है, पर धीरे 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 सैमसंग ने प्रूफ कर दिया कि हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं जी और रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं। तो सैमसंग अपना गुडविल नीचे से धीरे धीरे ऊपर में ले आया। यही है फोन के मार्केट में भी। ये सब बात आप लोगों को पता है, मैं क्या समझाऊं आपको। अल्टीमेटली एक बात बताइए, इतने सारे कंज्यूमर आइटम्स जो बन रहे हैं, क्या मेरा और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है जी, बिल्कुल बढ़ रहा है। मार्केटिंग से क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, क्योंकि भाई कल तक हमें पता ही नहीं था कि इस प्रकार से भी जिंदगी जिया जा सकता है। हम एलेक्सा को बोलेंगे, ए एलेक्सा ये गाना चला दो, और एलेक्सा गाना प्ले कर देगी। अरे वाह यार कमाल हो गया, वॉइस कमांड। तो जिंदगी तो भैया सुधर रही है, प्रोवाइडिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज।
तो आज के दिन में एक से एक प्रोडक्शन सर्विसेज, वाटर रेजिस्टेंट वॉचेस, ये स्विमिंग करने जा रहे हैं, घड़ी पहन के जा रहे हैं जी। क्या क्या नहीं हो रहा, जो कभी कल्पना के बाहर था वो सब हो रहा है। सप्लाइंग अ न्यू एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतना अच्छा से हो जा रहा है, कभी सोचा ही नहीं था हमने। और नए और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। सो ये सुदर्शन चक्र तो नहीं है, पर एक चक्र जरूर है जी। तो आइए देखते हैं ये चक्र क्या है। ये चक्र है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग में ये हम सब पढ़ चुके हैं, ये उसी को बस एक प्रेजेंटेशन दिया है जी। तो ये आप आराम से देखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जी करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग। क्या क्या फायदा हुआ चलो बताओ, तो अभी बताते हैं ना जी। जेनरेशन ऑफ रेवेन्यू, मार्केटिंग इज द ओनली सोर्स फ्रॉम विच बिजनेस कैन जेनरेट रेवेन्यू। अगर हम मार्केटिंग नहीं करें, हम अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और बताएं नहीं किसी को, तो पैसा कहां से आएगा? ठीक है, अगर पैसा नहीं आएगा तो मैं अपने लोगों का ट्रैवलिंग खर्चा, सैलरी वगैरह कैसे दूंगा, प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा? तो मार्केटिंग जरूरी है। द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मार्केटिंग। देखो भैया, सही तरीका से भी मार्केटिंग करना होगा। मार्केटिंग अगर सही तरीका से नहीं किया तो मार्केटिंग में पैसा लग गया, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। मगर अगर सही तरीका से करेंगे तो मार्केटिंग इज दी ओनली सोर्स, ध्यान देना मेरे बच्चों, ओनली ओनली सोर्स। बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को तो रेवेन्यू चाहिए, बिजनेस को पैसा चाहिए ही चाहिए। पैसा नहीं मिलेगा तो बिजनेस सरवाइव कैसे करेगा, जनरेट रेवेन्यू? तो भैया कोई उपाय नहीं है, मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। अब देखो ये बात दोबारा से आ रहा है, मार्केटिंग करेंगे हम तो आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स, मॉडर्न मार्केटिंग बिगेन्स। ये तो देखो वही पॉइंट रिपीट हो गया जी। तो ठीक है, मार्केटिंग कर रहे हैं ना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारा धर्म है। इंप्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन प्रोडक्शन बाय एंगेजिंग द स्केल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन बाय एनलार्जिंग। मार्केटिंग करने से क्या होता है, स्केल बढ़ता है। हमने 1 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंचाई और 50,000 लोगों ने हमें ऑर्डर दे दिया कि हाँ जी आपका प्रोडक्ट हम खरीदना चाहते हैं। तो कल तक हम सिर्फ 20,000 पीस बना रहे थे, अब क्योंकि मार्केटिंग करने का ऑर्डर आ गया 50,000 पीस का, सो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है। अब ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे हम, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बातें वही है। तो ये सेम टू सेम पॉइंट है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अलग अलग चॉइस मिलेगा लोगों को। ठीक है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। सो कुल मिला के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स सेम है कि आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो घूम घूम के वही पॉइंट आ रहा है, आप अगर समझदार हो तो आप समझ जाओगे और पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर लोगे कि मार्केटिंग किया, ज्यादा ऑर्डर आया, ज़्यादा ऑर्डर आने का मतलब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, तो ये एक पॉइंट हो गया स्केल ऑफ प्रोडक्शन। और स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो चलो एक और पॉइंट हो गया एम्प्लॉयमेंट का। तो वही कॉन्सेप्ट वही है। अब इस किताबों में क्या है, आईसीएसई के किताबों में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट को, 4-5 कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को ये लोग 15 पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि किताब आपका और बड़ा हो जाए और आप लोग भी रट रट के चले जाते हो। तो रटने का दरकार नहीं, समझ लीजिए सर।
तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो होगा जी, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो जब भी 1000 पीस बनाओगे तो कुछ कॉस्ट आएगा और 1,00,000 पीस बनाओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा, ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब देखो मार्केटिंग करने से क्या क्या फायदा होता है, मार्केटिंग करने से ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग और दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है। मतलब जो समझ लो बूस्ट मतलब क्या, सुपर डोज ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। जैसे कल तक बैट्समैन 2 रन 3 रन 1 रन बना रहे थे, अब समझ लो एक सुपर इंजेक्शन का डोज दिया, आप सीधा चौका छक्का मार रहे हैं, बूस्ट। मार्केटिंग हो रहा है तो इट मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रांग एंड स्टेबल बाय बैलेंसिंग प्रोडक्शन विद कंजम्पशन। इनफैक्ट मार्केटिंग इज द किंग पिन दैट कीप्स द इकोनॉमी मूविंग अहेड। क्या बात है, ह्यूमन बीइंग्स का एक वांट खत्म होता है, दूसरा चालू हो जाता है। इसी प्रकार से ये जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, कस्टमर्स को हमेशा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में डालते हैं, अरे आपने एसी खरीदा, वेरी गुड, अब आप इन्वर्टर एसी खरीदिए। इन्वर्टर एसी से क्या होगा, आपका बिजली का बिल बचेगा भाई। ठीक है जी, आपने इन्वर्टर एसी खरीद लिया, अब फिर बोलेंगे ये हमारा वाला एसी खरीदिए, ये वायरस को मारता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके नया तरीका आते रहेगा और कस्टमर को लगेगा कि हाँ ये बेटर रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, ये बड़ा जरूरी होता है। क्या होता ना, अपना ही घर में पैसा रोटेट हो तो क्या फायदा। समझ लो 500 रुपया पापा के पास था, अब आपने पापा को ही कुछ बेच दिया या पापा से कुछ ट्रांजैक्शन कर लिया, तो 500 रुपया पापा से के पास जो था आपको 200 रुपया मिल गया, पापा के पास 300, आपके पास 200, कुल मिला के घर का जो फैमिली इनकम है वो तो 500 का 500 ही रह गया। बट अगर है तो पड़ोसी से पैसा लाओ, पड़ोसी से 200 रुपया लेकर अगर आते हो तो चलो फैमिली में जो कल तक 500 रुपया था अब 700 रुपया हो गया। तो इसी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज अर्नर का भी यही कॉन्सेप्ट है कि बाहर से पैसा आए, बाहर से। मार्केटिंग हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग फॉरेन मार्केट्स एंड इन एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज थ्रू मार्केटिंग दैट अ कंट्री अर्न्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। कंट्री अर्न्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपका घर का, यहां आपका घर और देश एक ही बात है। मार्केटिंग से बहुत अलग अलग तरीके के यूटिलिटीज होते हैं जी, ठीक है, ये आपको पता है क्या यूटिलिटीज होते हैं और ये इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग आप देख रहे हो। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। अब जी मार्केटिंग और सेल्स के बीच में फर्क है जी कुछ, वैसे तो लगता एक ही है बट जी फर्क है, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि दे आर यूज्ड एज इंटरचेंजेबल टर्म्स, ठीक है, क्वाइट ऑफन, कई बार। मगर जी मार्केटिंग इज अ मच वाइडर टर्म देन सेल्स, ठीक है। कहने का मतलब अगर सेल्स तेरा घर इतना है, मैं मार्केटिंग हूँ, मेरा घर तेरे से भी बड़ा है, मैं तेरे से भी ज़्यादा रिच हूँ, तो मार्केटिंग रिच, सेल्स तू पुअर है मेरे सामने, तू मेरे सामने गरीब है रे सेल्स, मैं बड़ा आदमी हूँ। तो मार्केटिंग क्या बोलता है, मैं बड़ा हूँ, सेल्स तू छोटा है मेरे से। सेल्स रेफर टू द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू देम। तो सेल एक ही चीज बोलता है, बोला जी कस्टमर से पैसा या ऑर्डर लाता हूं मैं, पैसा को छोड़ दो क्योंकि कई बार कैश क्रेडिट ऑर्डर भी होता है बिजनेस में, ठीक है। कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, हमने उनको सप्लाई कर दिया, अब कस्टमर बोलता जी 3 महीने बाद पैसे दूंगा, यही टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो जो भी है, तो सेल्स क्या करता है, सेल कस्टमर से ऑर्डर ऑब्टेन करता है, ठीक है। और कस्टमर अलग अलग जगह के हैं, कोई मुंबई का कस्टमर, कोई दिल्ली का कस्टमर, तो मुंबई के कस्टमर को प्रोडक्ट भेजो,
अब वेयरहाउस जो है हमारा जहाँ पर भी है वहाँ से सबको डायरेक्शन दो कि भैया यहाँ पर भेजना है वहाँ पर भेजना है. सो डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू देम. और सेल का मतलब ही होता है कि ओनरशिप एंड पोजेशन को ट्रांसफर करो. अभी मेरे ओनरशिप में है, मेरे गोडाउन में रखा हुआ है, भैया हमें तो पैसा मिल गया, अब हमको अब रख के क्या फायदा, भेजो भेजो जल्दी जल्दी भेजो. और ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होता है, उनके नाम पर जो बिल बनता है वो बिल का कॉपी ही ये प्रमाण है कि जी आपने हमें पैसा दे दिया, हमने आपको सामान दे दिया, ये अब आपका है जी. आप एक टेलीविजन खरीदे तो कैसे प्रमाण करोगे कि ये टेलीविजन आपका है? देखो बिल में नाम लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, और टेलीविजन का सीरियल नंबर होता है तो वो टेलीविजन का सीरियल नंबर भी बिल में मेंशन है. तो आप टेलीविजन का सीरियल नंबर से मिलाओ, देखो भैया यही लिखा हुआ, ये टेलीविजन मेरा है जी, वो मैं ओनर हूँ जी. तो ठीक है जी, बात क्लियर हो गया. अब अपने को ये समझना है कि मार्केटिंग एंड सेल्स में फिर भी कुछ ना कुछ तो फर्क है. ठीक है, क्या फर्क है, स्कोप क्या है? अब सेलिंग जो है उसका मतलब है पैसा दो और गुड्स एक्सचेंज करो बायर एंड सेलर के बीच में. ठीक है, इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो गुड्स जो बन चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं. सेलिंग का बात कर रहा हूं मैं, मार्केटिंग का नहीं. ठीक है, अब मार्केटिंग तो जी ऐसा है ना कि कभी कभी गुड्स बने भी नहीं है फिर भी मैं कस्टमर को जाके बोल रहा हूं, समझ रहा हूं. मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली सेलिंग बट अदर एक्टिविटीज सच एज मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा. सो मार्केटिंग में रिसर्च भी आ जाता है, सेलिंग एक हिस्सा है मार्केटिंग का, मार्केटिंग रिसर्च भी एक सेक्शन है, प्रोडक्ट प्लानिंग भी एक सेक्शन है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग भी एक हिस्सा है. तो सेलिंग का क्यों है इतना किस्सा, वो तो है सिर्फ मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि सेलिंग 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 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर में सेलिंग है, सेलिंग के अंदर में मार्केटिंग नहीं है. अब जब हम सेलिंग करने निकलते हैं तो सेलिंग जो है भैया, अब तो प्रोडक्ट रेडी है, मेरे को प्रोडक्ट को बेचना है. ठीक है, प्रोडक्ट बेचना, पैसा लेना, ऑर्डर लेना, मैं सेलिंग करने आया जी, मेरे को बाकी कुछ नहीं पता. ठीक है, सो सेलिंग जो है फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर एंड मार्केटिंग ऑन द नीड्स ऑफ द बायर. जब हम मार्केटिंग करते हैं तब तक हम प्रोडक्ट बनाते नहीं हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं. हाँ भैया विकास बताइए, तो आप तो टेनिस खेलने जाते हो, आप जो जूता पहन रहे हो आपको क्या दिक्कत आती है, क्या चाहते हो आप, या अगर आपको कैमरा चाहिए तो कैसा कैमरा चाहिए? हाँ कैमरा तो चाहिए, देखिए फोन पे कैमरा है बट रात को अंधेरा में जब हम लोग फोटो लेते हैं तो वो कैमरा काम नहीं करता. अच्छा जी, तो हमने नोट कर लिया, हमारी कंपनी ने नोट किया कि लो लाइट कैमरा चाहिए. फोन पे जो कैमरा होता है लो लाइट में, हमने पता किया कि बहुत सारे कंपनीज है बट किसी भी कंपनी का लो लाइट कैमरा अच्छा नहीं है, अंधेरे में वो कैमरा मर जाता है. अब ये आइडिया आ गया दिमाग में, तो अब हमने कस्टमर से समझ लिया, अब हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें ऐसा कुछ रिसर्च करेंगे कि अंधेरे में भी जबरदस्त फोटो क्लैरिटी आए, तो हम लो लाइट में भी जबरदस्त फैसिलिटी देंगे, फोटोग्राफ हमारा बहुत अच्छा होगा. तो ये जब हम मार्केटिंग जब रिसर्च करने गए तो ये बायर से हमने ये उनका नीड को समझा. बट अब एक बात बताओ, हमने कैमरा, हमने फोन बना दिया, अब हमारे फोन पे ये लो लाइट कैमरा वाला फीचर नहीं है, नहीं है, बना दिया भैया, बना दिया तो क्या करें, नहीं बन पा रहा है. अब जो भी है कस्टमर को तो बेचो, ठीक है, बेचो. अब सेलर कौन हूं मैं हूं, तो जो सेलिंग जो है वो हमेशा कंपनी को बोलेगा, सेलिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा, सर चिंता मत करिए सर, हम लोग हैं ना सर, हम बेच देंगे,
हम लोग बेच देंगे, हम लोग बोलेंगे अरे देखिए कितना भी आप लो लाइट कर रहे हो, तभी भी फोटो अंधेरा में अच्छा आता है क्या? और कौन अंधेरा में फोटो लेता बताइए तो, क्या दरकार है? अरे डे लाइट का देखिए ना, हमारा डे लाइट से कोई कोई जीत नहीं सकता है। ये सब ऐसे ही है जी, मूर्ख बनाने की तरीके हैं जी, कौन अंधेरा में फोटो लेता जी। तो इस तरीका से जो भी है, हमको तो भाई जो हमारे पास प्रोडक्ट है हमको तो उसे बेचना है। तो सेलिंग सेलर के पास जो भी प्रोडक्ट है, सेल्स टीम उस प्रोडक्ट को लेकर फोकस करेगा, बट मार्केटिंग जो है वो बायर के साथ जाएगा, रिसर्च करेगा। बायर बताइए आपको क्या चाहिए, क्या दे दें हम आपको, आपको कैसे सेटिस्फाई करें बताइए। सेलिंग इज मेनली कंसर्न विद इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम एंड नो अटेम्प्ट इज मेड टू फाइंड आउट द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। ये प्रोडक्ट है गोडाउन में 100,000 पीस पड़ा हुआ है, अपने को टारगेट दिया कि इस महीने में 10,000 पीस बेचना है, तो जो है इसी को बेचना है। अंडर मार्केटिंग नीड्स ऑफ कस्टमर्स आर डिटरमाइंड फर्स्ट। क्यों? प्रोडक्ट तो बनाया नहीं अभी तक, तो कस्टमर का नीड पता कर लो, बेचने में इजी हो जाएगा ना भाई। जब हम बना के बेचने जाएंगे और कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं आपके प्रोडक्ट में ना वो लो लाइट में फोटो अच्छा नहीं आता, अरे भाई पहले पता कर लेते ना यार, तो ये लो लाइट वाला फीचर भी डाल देते, अब पता नहीं किए, अब देखो बिक नहीं रहा ना। तो इसीलिए मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर का नीड्स को डिटरमाइन करो पहले, फर्स्ट, एंड देन सूटेबल प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो जा रहा होगा। अब मार्केटिंग बोलते हैं कि कस्टमर से शुरू होता है, कस्टमर पे खत्म होता है, सेलिंग का क्या है कहानी? सेलिंग बिगिंस आफ्टर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो ये वही बात रिपीट हो रहा है भाई, जब तक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है हम बेचेंगे कैसे? ऑर्डर लिया है, एडवांस लिया है, प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाता है तो सेलिंग चालू होता है एंड कम्स टू एन एंड विद देयर ट्रांसफर टू द बायर। बायर को दे दिया सामान, पैसा अपने पास, सामान बायर के पास, हमारा काम खत्म। मगर मार्केटिंग जो है बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किया नहीं, स्टार्ट किया नहीं, मगर मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया। मार्केटिंग के अंदर में जो रिसर्च है वो स्टार्ट हो गया एंड कंटिन्यूज आफ्टर द सेल। बेचने के बाद भी कस्टमर को पूछो, हाँ भैया आपको मैंने प्रोडक्ट दिया था, सब ठीक तो है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं? आपने कहा था ना लो लाइट कैमरा चाहिए मेरे को, तो लो लाइट में फोटो कैसा आ रहा है? हाँ अच्छा तो आ रहा है, मगर थोड़ा सा और ये हो जाए वो हो जाए। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम लोग अभी अपडेट करेंगे नेक्स्ट, ये जो भी है। मार्केट रिसर्च एंड आफ्टर सेल सर्विस आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। तो हमेशा रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाओ, और आफ्टर सेल अगर कस्टमर को भूल जाओगे तो कस्टमर आपको भूल जाएगा। अब सेलिंग इज इंटरनली ओरिएंटेड बिकॉज इट सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेलिंग का एक ही मतलब है भैया बेचो, बेचोगे तो पैसा आएगा। ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग इज एक्सटर्नली ओरिएंटेड एज इट सीक्स टू अचीव प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर तुम सेटिस्फाई हो ना, और सेल्स का मतलब है भैया क्या करें, पैसा तो चाहिए। सेटिस्फैक्शन का बात अभी हम सोच नहीं रहे, अभी ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का MRP 1,000 रुपया है, तुमको 20% का डिस्काउंट कूपन लगा के हम तुमको ये 800 रुपया में दे सकते हैं, ठीक है। सेलिंग एम्स एट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेयर इज मार्केटिंग एम्स एट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। सो मार्केटिंग का अपना फंडा है, लॉन्ग टर्म है, और सेलिंग का मतलब है आप प्रोडक्ट बन गया है, पैसे लग चुके हैं। देखो बात को समझो, मार्केटिंग के समय क्या होता है ना, पैसे लगे नहीं है, जब पैसा मेरा खर्च हुआ नहीं है, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना, तो बड़ा बड़ा सपना दिखा रहा हूं मैं, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स, तो सपने में तो भैया कम से कम एकदम सबको बोलो ना मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगा, ये टेक्नोलॉजी लाऊंगा, ऐसा करूंगा, मतलब बहुत कुछ बोलो। बट जब प्रोडक्ट बन जाए ना, तो बहुत सारा पैसा लग चुका होता है उस सपने को पूरे करने में, अब भैया पैसा मांगता है, वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो मैं बिक जाऊंगा जी। तो इसीलिए सेलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है,
अभी मैं ज्यादा बोल बच्चन अच्छा सा बात नहीं कर सकता जी, ये प्रोडक्ट है ये प्राइस है, ये प्रोडक्ट है ये प्राइस है। ठीक है जी, आई थिंक आई एम वेरी श्योर आप समझ रहे हो। डिमांड क्रिएशन, सेलिंग प्री सपोजेस द एग्जिस्टिंग ऑफ डिमांड फॉर द फर्म्स प्रोडक्ट। सेलिंग में प्री सपोज कर रहे हैं हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट का डिमांड है, तभी तो हम बनाए हैं और तभी तो हम बेचने जा रहे हैं। मगर मार्केटिंग में हम डिमांड को क्रिएट करेंगे। ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। क्रिएट करते हैं और उसको मेंटेन करके चलते हैं। अरे भैया भूलना मत हम ये ला रहे हैं, अभी बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी लाऊंगा मैं, ये फ्यूल का बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है, मैं ला रहा हूं। अब आप बैटरी से चलाइएगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा, और आप अभी जो 10,000 रुपया लग रहा है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, आपका मात्र 1,500 रुपया लगेगा, ओनली 1,500 रुपीज ओनली। सो ये अचानक से मैंने क्रिएट कर दिया। अब हमारे वर्मा जी जो है वो एक गाड़ी खरीदने वाले थे, वर्मा जी को जैसे ही पता चला वो हुंडई का वर्ना खरीद रहे थे, मैं हूं वर्मा मैं खरीदूंगा वर्ना। तो उसके बेटे ने कहा पापा पापा, अरे आप क्या करते हो पापा, अपने ही पैसे को आग लगा रहे हो। अरे पापा अभी एक नई कंपनी आई है पापा, बैटरी वाली गाड़ी लाएगी पापा, आपका 10,000 रुपया नहीं लगेगा पेट्रोल में। अरे बेटा चिंटू मैं तो डीजल वाला खरीद रहा हूं। अरे पापा पेट्रोल हो या डीजल हो पापा, बैटरी ना आपका एकदम 10% लगेगा पापा। तो ये अचानक से ये डिमांड जो बैटरी का गाड़ी का जो नहीं था, चिंटू ने अपने पापा के दिमाग में डाल दिया। अब उसके पापा भी मिस्टर वर्मा इंतजार कर रहे हैं कि कब बैटरी वाली गाड़ी आए, तो अब मैं बैटरी वाली गाड़ी सबसे पहले खरीदूंगा। अब बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, कोई विज्ञापन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। तो वर्मा जी को लगा, रहे बेटा चिंटू तुम क्या बैटरी बैटरी बोल रहे थे, बैटरी से तो गुड़िया गुड्डे चलते हैं, बैटरी से तो फोन और रिमोट चलता है, ये बैटरी से तो बच्चों का खिलौना चलता है, बैटरी से बड़ी बड़ी गाड़ी कैसे चलेगी। और उसी दिन नेशनल टेलीविजन में एक बहुत बड़ा एड चिंटू के पापा मिस्टर वर्मा ने देखा। तो कहीं ना कहीं ये जो डिमांड क्रिएट हुआ था, ये डिमांड उनके दिल में मेंटेन रहा कि हाँ 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 बैटरी वाली गाड़ी आ रही है, मैं इंतजार करूंगा, मैं वही गाड़ी खरीदूंगा। सो डिमांड क्रिएशन हुआ मार्केटिंग के एफर्ट से। और सेलिंग जब करने गए तो हमें पता है कि लोगों को ऑलरेडी पता है कि अब बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी आने वाली है, और लोग बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था तो हमें पता है। तो अब हम सीधा बेचने की बात करेंगे। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबल टू कस्टमर्स एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू द बायर। ऑन द अदर हैंड सेलिंग इन्वॉल्व्स प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू देम। सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड वेल मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। तो ये सब बात तो मेरे ख्याल से क्लियर है। सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये एक नई बात है। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि सेलिंग इज सेलर ओरिएंटेड। तो सेलर क्या बनाता है, सेलर प्रोडक्ट बना चुका है, तो भैया आप सीधा सीधी जो प्रोडक्ट है गोडाउन में पड़े हुए बेचो इसको। और मार्केटिंग के समय कस्टमर से बात करो, कस्टमर का दिल जीतो। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब ही होता है जैसे ही अगर आप एक अच्छे लड़के हो, आपको बहुत अच्छी लड़की पसंद आई है, तो आप अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने विचार के बारे में, अपने घर के आचार के बारे में, आचार विचार सब आप बताओगे। क्यों बता रहे हो, अरे लड़की का दिल जीतना चाहते हो कि देखो देखो जब भी तुम शादी करने का इरादा करो तो मेरे बारे में ही सोचना। तो उसी प्रकार से मार्केटिंग भी बोला है, जब भी गाड़ी खरीदो मेरे बारे में ही सोचना। सेलिंग बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विद द सेल ऑफ गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। मार्केटिंग ऑन द कॉन्ट्ररी बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन साइकिल इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स वॉन्ट्स। सेलिंग कम्स टू एन एंड, ये देखो ये सब समराइज है। सेलिंग कम्स टू एन एंड with the delivery of the product to the customer, but marketing continues even after sales so as to provide after sales service. So ye bhi marketing ka hissa hai ji. Selling concentrates on increasing sales volume
वेयर इज मार्केटिंग कॉन्सेंट्रेट्स ऑन सेटिस्फाइंग द कस्टमर। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा पैराग्राफ जो है, जो इतना हमने पढ़ा है, उसी का समरी है। सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर, मार्केटिंग ऑन द नीड्स ऑफ द बायर्स। सेलिंग इज प्री ऑक्यूपाइड विद द सेलर्स नीड्स टू कन्वर्ट हिज प्रोडक्ट इन टू कैश, मार्केटिंग विद द आइडिया ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर बाई मीन्स ऑफ प्रोडक्ट एंड द होल क्लस्टर ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड फाइनली कंज्यूमिंग इट। सो फाइनली हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है एम्ब्रेसिंग सेलिंग वाइल विच मेयरली इन्वॉल्व्स प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो दोस्त ये तो आपको मैं सेल्फ रीड के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये सेल्फ रीड है। ये मार्केटिंग एंड सेलिंग भी आप सेल्फ रीड करोगे। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, बट ये आज नहीं करेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे अगला दिन। सो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझिए, एक बार समझ लो और दिमाग में उसे रखो, दिल से समझो और दिल से ही एग्ज़ाम को अप्रोच करो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।